डीजी क्लासेज करेंगे। तो डीजी क्लास में देखिए बेटा, हमारे कुंडलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार जो है हमारे क्या
मादे हैं, द्रव्य जैसे दूध, पानी, तेल, घी, कुछ भी, कोई भी द्रव्य का समान होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, यानी के पुल्लिंग के ही अंतर्गत आएगा। तो ये थी नंबर डेली क्लास में आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग के अंतर्गत जो है कौन से जो है कौन कौन सी चीजें निर्धारित की गई है। तो इसमें देखा आपने शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, घुटना, दांत, बाल, कंधा आदि। 4 संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र, ख, ज जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, लेख, दुख, जलज, सर्जिज, बाइज आदि। 5 आम से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लुहार, सुनार, चमार आदि। 1 संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, माला, लता, ममता आदि। 2 उकारांत और इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मृत्यु, आयु, वस्तु, जाति, संति, अग्नि आदि। 3 भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू आदि। बोली राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। लिपि गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। 4 शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाभि, भौ, पलक, छाती, कमर, एड़ी, आंख, जीभ, नाक, ठोड़ी आदि। 5 हिंदी की धातुओं से अप्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चहक, महक, फूट, दांत आदि। परंतु खेल, उतार, मान आदि पुल्लिंग है। 6 प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, दल, संघ, झुंड आदि। 7 अंत में एरा वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, सपेरा आदि। 8 जिन शब्दों के अंत में अप, त्व, ना, य, आपा, औरा, पन आते हैं, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। 9 वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। 10 अरबी फारसी के खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। 11 अरबी फारसी के दाम से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। 12 बाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग बाल बाला मूर्ख मूर्खा महोदय महोदया शब्दों के अंत में अ आ ई उ ए के स्थान पर आई जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बाबू बबुआई लाला ललाई। 3 अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर रीच रीचनी भीड़ भीड़नी मोर मोरनी ऊंट ऊंटनी। 4 मान को मति और मान को मति करके श्रीमान श्रीमती बलवान बलवती गुणवान गुणवती बुद्धिमान बुद्धिमती। 5 ता के स्थान पर त्री लगाकर नेता नेत्री भर्ता भर्त्री
के स्थान पर ई लगा कर, जैसे मौसा मौसी, बेटा बेटी। अंतिम आ के स्थान पर ईरा लगा कर, दिव्या दिव्या, चूहा चूहिया। आठ अंत में इन लगाकर, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन। नौ अप को एका करके, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका। दस अंत में आने को आने लगाकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, क्षत्रि क्षत्रानी, शेख शेखानी, रुद्र रुद्रानी। ग्यारह ई के स्थान पर इन लगाकर, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी। बारह निम्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, वर वधु, साधु साध्वी। आओ दोहराएं, एक शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। तीन हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। चार जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि का पुरुष जाति के होने का हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पाँच जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। छह मोटी भारी भक्तम बड़ी तथा विकल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। एक शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। तीन हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। चार जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि का पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पाँच जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। छह मोटी भारी भक्तम बड़ी तथा विकल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। पुल्लिंग की पहचान, एक मोटी भारी भक्तम बड़ी तथा बेगौर वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञा पुल्लिंग होती है, जैसे कूड़ा गटर बोरा थैला रस्सा डिब्बा ट्रक बंदर आदि। दो देश पर्वत समुद्र पेड़ अनाज रत्न द्रव आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश जापान रूस भारत आदि। पर्वत हिमालय विंध्याचल सतपुड़ा आदि। समुद्र हिंद महासागर अरब सागर आदि। पेड़ आम अमरूद सागवान आदि। अनाज उड़द चावल तेल आदि। धातु लोहा सोना तांबा आदि। इसी प्रकार ग्रह मंगल बुध शनि आदि। मास मार्च जून आदि। वार सोमवार मंगलवार आदि। रत्न हीरा पन्ना। द्रव दूध पानी तेल। तीन शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर हाथ पैर घुटना दांत बाल कंधा आदि। चार संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में र ख ज जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र चरित्र लेख दुख जलज सर्जित बारिश आदि। पाँच आम से अंत होने वाले
अक्षर लिंग होते हैं, जैसे लुहार, सुनार, चमार आदि। संस्कृत के आकारांशक स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, माला, लता, ममता आदि। दो उकारांत और इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मृत्यु, आयु, वस्तु, जाति, शांति, अग्नि आदि। तीन भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू आदि। बोली राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि। लिपि गुरमुखी, रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। चार शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाक, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, आंख, जीभ, नाक, ठोड़ी आदि। पांच हिंदी की धातुओं से अप्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चहक, महक, फूट, दान आदि। परंतु खेल, उतारा, मान आदि पुल्लिंग है। छह प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, दल, संघ, झुंड आदि। सात अंक में एरा वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मौकेरा, चचेरा, कुपेरा, छपेरा आदि। आठ जिन शब्दों के अंक में अप, त्व, ना, य, आपा, औरा, पन आते हैं, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। नौ वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। दस अर्धिभाषी के खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ग्यारह अर्धिभाषी के दांत से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। बारह बाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम उनको आ करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बाल, बाला, मूर्ख, मूर्खा, महोदय, महोदया। शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ, ए के स्थान पर आयन जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बाबू, बबुआयन, लाला, ललायन। तीन अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर रीच, रीचनी, दी, दीनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। चार मान को मती और मान को मती करके श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। पांच ता के स्थान पर त्रि लगाकर नेता, नेत्रे, भर्ता, भर्त्रे। छह अंतिम अ आ के स्थान पर ई लगाकर, जैसे मौसा, मौसी, बेटा, बेटी। सात अंतिम आ के स्थान पर ई लगाकर दिव्या, दिव्या, चूहा, चुड़िया। आठ अंत में इन लगाकर पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन। नौ अप को इका करके शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका। दस अंत में आनी को आनी लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्षत्रिय, क्षत्रानी, शेठ, शेठानी, रुद्र, रुद्राणी। ग्यारह ई के स्थान पर
इन्हें लगाकर स्वामी स्वामिनी यशस्वी यशस्विनी तपस्वी तपस्विनी बारह बिंदु वाले को लिंग स्त्रीलिंग शब्द वर वधु साधु साध्वी आओ दोहराएं एक शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। तीन हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। चार जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि का पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पांच जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। छह मोटी भारी भद्दा बड़ी तथा बेगौर वस्तुओं को व्यक्त करने वाले संतान पुल्लिंग होती है। एक शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। तीन हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। चार जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि का पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पांच जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति आदि के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। छह मोटी भारी भद्दा बड़ी तथा बेगौर वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संतान पुल्लिंग होती है। तो इसमें जो है बेटा आज आपको सेवंथ क्लास में क्या कराया है, पहले मैंने क्लासेस में आपको कराया था और जो है उसके संबंध में मैंने सारा बताया था लिंग के बारे में। तो आज इनकी डिटेल दोबारा डीजी क्लास में आपको समझ आ गया होगा। तो सभी बच्चे जो है लिंग का चैप्टर जो है अपना फिर कॉपी में करेंगे, कैसा करेंगे, नीट एंड क्लियर करेंगे और इसको जो है आप साथ साथ लर्न भी करेंगे क्योंकि ये क्या है बेटा आपके ऐसे वन में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सेवंथ क्लास में कितनी डेट है आज 2 सितंबर को आपका डीजी क्लास। डीजी क्लास किस विषय में थी, लिंग में। तो लिंग जो है आज हमने आपको डीजी क्लास कराई। ठीक है।